कोरोना की दूसरी लहर से जूझ रहे छत्तीसगढ़ में जांच के आंकड़े ने कुछ राहत दी है। मंगलवार को प्रदेश में कोरोना के 63,811 नमूनों की जांच हुई, जिसमें से 9,717 नए लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इस मान से पॉजिटिविटी दर 15% रही है, मतलब प्रत्येक 100 टेस्ट में 15 लोग ही कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। 10 दिन पहले तक यह दर 30 तक थी और एक दिन से पहले सोमवार को सरकार ने कोरोना के 64,000 से अधिक नमूनों की जांच की थी और ये अब तक एक दिन में हुई सर्वाधिक कोरोना जांच का रिकॉर्ड है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा है कि लॉकडाउन लगने के बाद सकारात्मक प्रभाव दिखने लगा है, केस कम हो रहे हैं। रायपुर और दुर्ग में जहां सबसे ज्यादा केस आ रहे थे, वहां संक्रमण की रफ्तार थम सी गई है। बिलासपुर और सरगुजा संभाग में अभी भी 20-25% पॉजिटिविटी दर है, यह चिंता का विषय है। और इसके बाद भी पूरे राज्य में अधिक टेस्ट के बाद भी कुल संक्रमित व्यक्तियों की संख्या कम हुई है। पिछले कुछ दिनों में यह ग्राफ गिरता हुआ दिख रहा है। लॉकडाउन लगने के बाद उसका सकारात्मक प्रभाव भी दिख रहा है। केसेस कम होते हुए छत्तीसगढ़ में दिख रहे हैं। जहां सबसे ज्यादा केसेस पहले हो रहे थे रायपुर और दुर्ग संभाग में, वहां केसेस दब से गए हैं। कम प्रतिशत संक्रमण की जानकारी सामने आ रही है, फिर भी सचेत रहने की बात है। और बिलासपुर और सरगुजा संभाग में यहां अभी चिंता बनी हुई है। यहां संक्रमण का दर 20-25% से ऊपर चल रहा है, तो वहां चिंता बनी हुई है। लेकिन फिर भी पूरे राज्य में कुल संक्रमित व्यक्ति ज्यादा टेस्ट में भी कम सामने आ रहे हैं और दिन प्रतिदिन थोड़ा सा कम होते दिख रहा है ग्राफ। तो आने वाले दिनों में हम ये उम्मीद करते हैं कि लॉकडाउन में कुछ शिथिलता की स्थिति बन सकती है। लेकिन अगर लॉकडाउन या जब लॉकडाउन खुलेगा, लॉकडाउन तो हटेगा ही, लेकिन जब हटेगा उसमें नागरिक अगर ये मान के चलेंगे कि अब कोरोना चला गया, तो बहुत बड़ी भूल होगी, बहुत बड़ी गलती होगी। हमको पूरा एहतियात बरतना है। अभी बंदिशें हैं तो यही केवल मानना है कि घर से बाहर जाने को हमको मौका मिला है या छूट मिली है, लेकिन अपने व्यवहार में अगर हमने कमी की तो ये कब कोरोना बढ़ जाएगा और फिर शासन प्रशासन को मत सोचना पड़े कि अब लॉकडाउन फिर तो मत लगाना पड़े। तो ये लॉकडाउन ना लगे अब। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB News को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।